है गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि गाइस आप सब ने देख लिया होगा मेरा टाइटल, ये क्या है मेरा टाइटल। तो आज मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि शायद ही हम किसी को बताए होंगे ये सब बातें। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ। तो गाइस ये क्या है मुझे कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। देखते हैं कि कोई बता पाता है कि नहीं, लास्ट में मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन पहले मैं देख लूँ कि ये क्या है। आप लोग कमेंट में क्या बोलते हो देख सकते हैं मैं गाइस, देखता हूँ। मेरा दीदी का बेटी झूलवा झूल रही है और आराम से खेल रही है। अब रोने लगी, मोबाइल देख रही है। देखिए, सानवी नाम है इसका, सानवी। तो जैसा कि दोस्तों मेरा डेली का रूटीन हो गया है कि सुबह तैयार हो, ड्यूटी जाओ, फिर शाम को आओ, तब तक रात हो जा रही है क्योंकि ठंड के दिन है तो ठंड में जल्दी शाम हो जाती है। उसके बाद घर में आओ, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाओ, ना खाना खाओ और सो जाओ। फिर जब नाइट ड्यूटी आता है तो उसी तरह का प्रोसेस चलता है कि 5 बजे ड्यूटी निकलो और सुबह, रात में ड्यूटी करने के बाद सुबह में 9 बजे घर आओ, थोड़ा बहुत वीडियो वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर दोपहर में हल्का आराम करके फिर 5 बजे तक ड्यूटी चला जाऊँ। तो गाइस यही सब मेरा लाइफ में मतलब रह गया है कि सुबह शाम खाली मेरा टाइम पास हो रहा है ड्यूटी करने में ही, मैं वीडियो उतना बना नहीं पा रहा हूँ। तो आप सब सोचते हो कि ये सब मुझे क्यों बता रहा है। तो गाइस मैं बता दूँ कि मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है वीडियो बनाने का। अभी तक मैं जो भी आपको बोला वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बोला हूँ। ये बात रियल है कि मेरे पास टाइम नहीं होती है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली ब्लॉग लाऊँ, लेकिन डेली नहीं ला पाता हूँ। 2 दिन में 3 दिन में एक बार मैं छोड़ता हूँ। तो गाइज इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग से मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म पर जाकर अच्छे अच्छे वीडियो को पोस्ट करूँ, ताकि आप लोग को जो पसंद आए रियल में डाल सकूँ। अभी तो मेरे साथ कोई है नहीं गाइज, मैं अकेला हूँ, तो अकेले जितना मुझे समझ में आता उतना हम करते हैं। जब मेरे पास फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिक और भी दोस्त लोग बनना चालू हो जाएगा। तो उस समय कोई मेरे वीडियो को एडिट करेगा, कोई मुझे मेरे को शूटिंग करेगा, तो उस समय लगभग 2-3 फ्रेंड जरूरी बन जाएंगे। तो उस समय कुछ और अच्छा आ जाए। तो गाइस सपोर्ट करें मेरे वीडियो को। और मेरा बैकग्राउंड देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ कि अभी मैं छत पे हूँ और ये मेरा छत का जो दीवार होता है चारों तरफ से दिया जाता है ना, वही वाला दीवार है। तो अभी तक इसको प्लास्टरा नहीं किया गया है। तो गाइज हम जान रहे हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ख़राब ही आता होगा, फिर भी गाइज आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ गलती करती हो तो सॉरी। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसा था वीडियो, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसको नोटिफिकेशन तक जा सके। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद, बाय बाय।